सो हाय गाइस, हम लोग यहाँ बीबीडी यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। तो आज हम लोग आपको क्या नाम है पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज दिखाएंगे। सो जैसा कि कोई भी स्टूडेंट होता है या तो उसे अगर कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो वो जानना चाहता है कि कैसे कोई मतलब जो कॉलेज हो वो एडमिशन लेना चाहता है, वो एडमिशन मतलब वो कॉलेज कैसा है, उसका कैंपस कैसा है, उसके लिए सही है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग ये मतलब एक चैनल शुरू कर रहे हैं, हम लोग ये पहली वीडियो है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर और लाइक, और हो सकता है अपनी वीडियो जो हो वो आप ही की कॉलेज की हो, तो इसलिए आप हम वीडियो लास्ट तक देखें। और क्या नाम है, इसमें हम लोग आपको पूरी पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे कॉलेजेस, अंदर बाहर, पूरा एडमिशन सेल, स्टेडियम और हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और ये अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो बीबीडी का गेट है, वो बीबीडी का गेट है, और इसके सामने जस्ट सामने कॉम्प्लेक्स है बीबीडी का, और उधर क्राउन मॉल पड़ जाता है। और ये जो रोड आप देख रहे हैं इधर से, ये फैज़ाबाद की रोड है, यहाँ पे आपको ये बीबीडी यूनिवर्सिटी लखनऊ में आ जाता है। उधर देखिए आपको ग्रीन सिटी मिल जाएगा, उधर आपको ग्रीन सिटी मिल जाएगा इधर जो है। और इधर जो है मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बीबीडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लखनऊ है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी क्या नाम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, और जितने भी बीबीडी के जितने भी ऑफिसर्स और जितने भी क्या नाम है ऑफिशियल लोग हैं वो सब यहीं बैठते हैं सारी। सो जितनी भी मतलब आपको चीज़ें होंगी फीस वगैरह जमा करने की, वो आप यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ क्लासेस वगैरह भी चलती हैं। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अभी आपको जैसे हम लोग गेट पे जा सकते हैं, अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर आपको अंदर की चीज़ें दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है। तो मैं प्रज्वल शुक्ला और मेरे साथ मेरे भाई हैं अर्जुन त्रिपाठी, जो किस टाइम कैमरा पकड़े हुए, क्योंकि हम दो ही लोग थे तो अभी यहाँ पे है नहीं और कोई कैमरा वगैरह पकड़ने लिए। सो अभी आप क्या नाम है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसी होती है ये वीडियो और क्या क्या हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करिए। और जो भी लोग बीबीडी में पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं वो पूरी वीडियो देखिए, अगर पढ़ चुके हैं तो आप अपनी यादों को देख सकते हैं, और अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप अपनी बनने वाली यादों को देख सकते हैं। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के गेट पे, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये गेट है और हम लोग इसमें अंदर चलते हैं यूनिवर्सिटी के। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कैंपस यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो आप ये इधर देख सकते हैं ये एक बहुत प्यारा मंदिर है, और ये गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ देख सकते हैं कि इसका क्या नाम है गेट बंद हो चुका है क्योंकि 12 बज चुके हैं, फिलहाल 12 बजे गेट बंद हो जाता है। इस टाइम गणेश चतुर्थी चल रही है, तो बीबीडी में आप देख सकते हैं पूरा बीबीडी सजा हुआ है, पूजा, गणेश वंदना और बहुत सारी चीज़ें, जितने भी डांस परफॉर्मेंस हैं और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इधर देख सकते हैं वो सामने देख सकते हैं बाबूजी की मूर्ति है, और ये वही NITM बिल्डिंग है, और यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स लोग होते हैं वो बैठते हैं, और सामने देखिए कितनी प्यारी ग्रीनरी है। तो अब बहुत हो गया प्रज्वल भाई का, अब मेरी बारी है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको बीबीडी ग्रुप में, जिस बिल्डिंग में जैसा कि प्रज्वल भाई ने आपको बताया ही होगा कि इसमें सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट और बाकी सारी चीज़ें हैं, सारे टीचर्स सीनियर्स ऑफिसर्स इसी में बैठते हैं और कुछ क्लासेस इसी में चलती हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे फीस आप बच्चों की सारे कॉलेजेस की जमा कर सकते हैं, और आज छुट्टी है, आज जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ऊपर से आज गणेश उत्सव चल रहा है बीबीडी पे, तो इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। नॉर्मल डेज पे आप यहाँ से राइट जाएंगे तो आपकी फीस डिपार्टमेंट पड़ जाएगा, बाकी इधर ही जितने भी चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स, सबके ऑफिस यहीं पर हैं। उस बिल्डिंग को तो कवर कर नहीं पाए हम, तो आगे चलते हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ जो कि है डेंटल बिल्डिंग बीबीडी की। देखिए आप पीछे मेरे देख सकते होंगे कि पंडाल लगा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि बीबीडी में गणेश चतुर्थी का आयोजन हुआ है, गणेश जी की प्यारी सी मूर्ति रखी गई है। तो गाइस मेरे पीछे डेंटल की बिल्डिंग है, और अभी अर्जुन भाई को मैंने कैमरा पकड़ा दिया है, अभी हम लोग डेंटल की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे। इधर आप देख सकते हैं जो पार्क है इसमें कितने सारा कितना अच्छा आम का पेड़ लगा हुआ है, और कितनी अच्छी कटिंग की गई है फ्लावर्स की। और जैसा कि अगर ठंडी होती है तो आप इस पार्क में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या धूप वगैरह सेक सकते हैं, जो भी हम लोग हॉस्टलर्स हैं। अभी हम लोग आपको हॉस्टल्स भी दिखाएंगे, फिलहाल अभी तो यहीं पर आए हुए हैं। तो अभी हम लोग डेंटल की बिल्डिंग पर चल रहे हैं, अभी डेंटल की बिल्डिंग में यहाँ पे है, और ये यहाँ पे डेंटल की पढ़ाई होती है, जितनी भी डेंटल से रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो गाइस जैसा कि हम लोग यहाँ पे डेंटल की बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं,
और यहाँ पे वो डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी है। इसके अंदर जितनी भी क्या नाम है रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं या ओरल मेडिसिन की चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती है यहाँ पे। देख जैसे कि क्या नाम है बिल्डिंग बहुत बड़ी है और कई सारे फ्लोर्स हैं, तो इस पे जाने के लिए आपको यहाँ पे लिफ्ट्स भी प्रोवाइड की गई हैं केबीडी यूनिवर्सिटी में और ये डेंटल बिल्डिंग में। और इधर तो मेरे पीछे आप जैसे देख सकते हैं ओरल सर्जरी विभाग है और डिपार्टमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है डिपार्टमेंट है। इधर वार्ड हो गया और चेंजिंग रूम हो गया और इधर भी बहुत सारी चीज़ें, इधर ओटी लाइक ऑपरेशन थिएटर वगैरह है जिसमें क्या नाम है डेंटल की चीज़ें होती हैं, वो वाला ऑपरेशन थिएटर नहीं जिसमें चीर फाड़ करते हैं। फिलहाल इधर आप देख सकते हैं कि ये इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे, आप अगर बीबीडी में एडमिशन लेते हैं तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इतने सारे इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, बेड्स वगैरह और डेंटल की चीज़ें हैं। तो डेंटल की पढ़ाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं और बीबीडी बहुत ही आगे हो चुका है इन सब चीज़ों में और लखनऊ में एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीबीडी। और इधर आप ये पीजी क्लिनिक है इधर माइनर ओटी के करके, और इधर भी वही सारी क्या नाम है देखेंगे वही सारी सीट्स वगैरह लगी हुई हैं डेंटल की। और इधर हम लोग आगे चलते हैं, इधर ओटी है, इधर आप देख सकते हैं इधर ओटी है और इधर लाइट वगैरह चल रही है, इधर नोटिस बोर्ड वगैरह और लॉकर वगैरह है। तो इधर ये आप देख सकते हैं कि इधर पोस्ट ओपी आईसीयू है और इधर आईसीयू बेड्स हैं, इधर फैकल्टी रूम है, इधर फैकल्टी रूम है और इधर चैनल बंद है तो बाहर आप नहीं जा सकते फिलहाल, इधर से अभी तो बंद है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, तो ये हमारे इधर अर्जुन भाई निकल रहे हैं डेंटल के ब्लॉक में, हम लोग आ चुके हैं इधर। फिलहाल ये डेंटल का ब्लॉक लग नहीं रहा है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। इधर तो ये लाइब्रेरी है। तो गाइज आपने इधर अभी देखा, ये जो अभी हम लोग ने दिखाया ये एक लैब है, यहाँ पे मतलब लैब में जो मतलब खून की जांच वगैरह होती है और सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जो खून की जांच वगैरह होती है और सारी चीज़ें होती हैं सब इसी लैब में होती हैं। इधर कंजर्वेटिव है डेंटिस्ट्री का और अभी तो क्लास सब बंद है फिलहाल, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम है और गणेश चतुर्थी भी चल रही है, तो इसी वजह से सारी क्लासेस वगैरह बंद हैं, कोई भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, पूरी खाली है। और अभी इधर देख सकते हैं मेरे पीछे जितनी भी मतलब क्लासेस हैं वो सारी बंद हैं। मैंने सभी सर से बात की थी तो उन्होंने कहा कि मंडे को चले आना, मंडे को जितनी भी सारी चीज़ें वो सब दिखा देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर कितनी प्यारी ग्रीनरी और क्या कैंपस है इसका, इसकी बिल्डिंग्स और भी बहुत सारी चीज़ें, इधर एक्स ब्लॉक और उधर NITM बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें ग्रीनरी पार्क और ये हो गया आपका कैंटीन और BBDFN 90.8। तो इधर आप देख सकते हैं टेम्पटेशन है, तो आइए चलते हैं देख ले रहे हैं आप। इधर भी एक पार्क है, ग्रीनरी है और इधर भी ग्रीनरी कितनी प्यारी है, घासें लगी हुई हैं आप बैठ सकते हैं, इधर फूल के पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और इधर बहुत सारे क्या नाम है कटिंग वाले पेड़ लगे हुए हैं, कट्स वगैरह बहुत अच्छे हुए हैं। गार्डनिंग मतलब यहाँ बीबीडी की बहुत प्यारी है, ग्रीनरी ये लोग बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को प्रमोट करते हैं और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। इधर जो आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं ये BBDEC है, BBDEC कॉलेज बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज। और तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये टेम्पटेशन है यहाँ का और इसको हम लोग टेम्पटेशन बैठ बोलते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं पर बैठते हैं, आपको बैठे मिलेंगे सुबह शाम ज़्यादातर लोग। ये इसमें इसके अंदर कैंटीन है, आप देखते हैं बहुत बड़ी कैंटीन है इधर, और इधर 90.8 FM का भी वो है रेडियो स्टेशन है यहाँ पे। इधर आप देख सकते हैं बहुत प्यारी, इधर भी ग्रीनरी है दी गई है और इधर ये पूरा कैंटीन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे फाउंटेन है जो कि अभी चल नहीं रहा है बारिश की वजह से, और इधर भी ग्रीनरी है। इधर ये आप पेड़ की छांव में बैठ सकते हैं, इधर अच्छा खासा नीम का पेड़ लगा हुआ है। अभी अंदर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं ये 90.8 FM है BBD का, BBD यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन। और अभी इसके अंदर जो है अभी तो ये बंद है, अभी चल नहीं रहा है फिलहाल। अंदर चलते हैं, इधर अंदर जो है वो कैंटीन यहाँ की, तो अभी हम लोग कैंटीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस ये पूरी कैंटीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पे जो कॉलेज डेज होते हैं उसमें बहुत भीड़ होती है, अभी तो फिलहाल भीड़ नहीं है क्योंकि छुट्टी का दिन है और हम लोग छुट्टी के दिन यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो भाई हम लोग कैंटीन में आए थे तो हमारे एक दोस्त मिल रहे यहाँ पे, अमन सिंह, और क्या हाल है। तो अभी यहाँ पे ये भी क्या नाम है ये यहाँ पे BBD पे मैच खेलते हैं क्रिकेट मैच, और स्टेडियम में यहीं पे यहीं की टीम है। और ये आपको बताएंगे कि यहाँ की टीम कैसी है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैसा है। और चलिए तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि BBD की जो टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, जो बार बार भी जाते हैं खेलने। और मैनेजमेंट के मामले में बताना चाहूँगा कि बहुत ही यूनिक टाइप से यहाँ पे मैनेजमेंट संभाली जा रही है, जैसे कि नए नए बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और नए बच्चों को सिखाने का भी काम चल रहा है यहाँ पे, और जो पुराने जितने हैं जो सीखे हुए हैं जो खेलते अच्छा हैं
उन्हें वो लोग नए बच्चों को चेयरअप करते हैं कि वो आए ग्राउंड पे आए खेलें और अच्छा परफॉर्मेंस दें। एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के तौर पे भी खिलाया जाता है और कोशिश की जाती है कि जितना हो सके उतना लोगों को यहाँ पे कंफर्टेबल फील कराया जाए कैंपस की। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स, जैसे कि मैं बता दूँ प्रज्वल भाई आपको, यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है वो आपका क्रिकेट हो गया, उसके बाद आपका फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी है, एथलेटिक्स के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है बीबीडी के थ्रू जिसका नाम है उत्कर्ष। उत्कर्ष में मेरे ख्याल से सभी लगभग सारे स्पोर्ट्स ही कराए जाते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं यहाँ पे, तो एक अच्छा माहौल बनता है उस टाइम पे, काफ़ी मज़ा आता है लोगों को, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है। हाँ हाँ पर्सनल स्टेडियम है जो कि बैडमिंटन कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी में नहीं है, ये बैडमिंटन कोर्ट जो पड़ता है वो उधर लोहिया पार्क के साइड पड़ता है, सो आप वहाँ पे अगर आपको बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ का बीबीडी का बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन स्टेडियम बहुत बेस्ट। तो भाई आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे ये इसका कैंटीन है और यहाँ पे सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पेटीज पेस्ट्रीज वगैरह मिल जाएगा, और इधर क्या नाम है ये जो आप देख सकते हैं इधर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ड्रिंक्स बेवरेजेस और जो भी सैंडविच वगैरह हैं सब हो जाती है इधर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर बाहर जो होता है वो एक गर्ल्स हॉस्टल है, अभी हम आपको गर्ल्स हॉस्टल तो दिखा सकते हैं, अंदर तो नहीं ले जाएंगे फिलहाल लेकिन आपको दिखा सकते हैं इधर बीबीडी कैंटीन में। तो गाइस पीछे आप मेरे देख सकते हैं इधर गणेश पंडाल सजा हुआ है गणेश चतुर्थी के महोत्सव पे, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सजा है, इधर गणेश जी की मूर्ति उधर रखी हुई है और इधर बैठने वैठने का इधर पीछे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आगे सोफा वगैरह लगे हुए हैं वीआईपी गेस्ट के लिए, और इधर आप देखिए पूरा कितना प्यारा झालर और ये कितना प्यारा झूमर और पंखे वगैरह लगे हुए हैं कि ताकि किसी को गर्मी ना लगे, रात के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं उधर गणेश पंडाल है सामने, और इधर आप देख सकते कितनी प्यारी लाइटनिंग की वो है, आगे वो डीजे लाइट्स वगैरह हैं कई सारे आरजीबी वगैरह, और आगे जो स्टेज है आप स्टेज देख सकते हैं, जो स्टेज है वो भी बहुत प्यारा सजा हुआ है, अभी देख सकते हैं जो क्या नाम है गणेश जी की मूर्ति है उसको सजाया जा रहा है बहुत प्यारा, इसको शाम तक पूरा रेडी कर दिया जाएगा और इसको पूरा सजाया जाएगा प्रॉपर ढंग से। ये देखिए गणेश मूर्ति सजी हुई है, गणेश जी की गणपति बप्पा की मूर्ति है, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा ही था कि अब हमारी बारी है ईसी बिल्डिंग की। ईसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब इसमें सारे डिपार्टमेंट्स के बीटेक के सारे डिपार्टमेंट्स इसमें चलते हैं, जैसे सिविल मैकेनिकल सीएस सारी ब्रांचेस इसी में चलती हैं इन दो से। ये मेरे जस्ट पीछे स्टूडेंट वेलफेयर का ऑफिस है जहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड स्कॉलरशिप बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब से रिलेटेड सारा काम होता है। यहाँ के स्टूडेंट वेलफेयर बीबीडी के रिजवी सर जो कि स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बीबीडी के आप एके ट्यू के थ्रू, पहले तो एग्ज़ाम होता था एके ट्यू का, अब तो चेंज हो गया है पैटर्न, जेई मेन्स के थ्रू आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं, बाकी कुछ परसेंट जो सीट मैनेजमेंट कोटा से मिलती है वो आपको बीबीडी प्रोवाइड कर देता है अगर उसके हाथ में कोई चीज़ रह जाती है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एके ट्यू से एफिलेटेड कॉलेज है, एके ट्यू कोड आप देख ही रहे होंगे पीछे, तो ले चलते हैं आपको अंदर। जैसे कि ये लैब है, ये आप देख रहे हैं, ये फिटिंग बेंच फिटिंग शॉप है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड लैब है, ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी लैब है, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे इतने सारे इक्विपमेंट, ये लाइव इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट खुद प्रैक्टिस करते हैं। आप सब देख रहे हैं ये है इंजीनियरिंग कॉलेज की सिविल डिपार्टमेंट की क्लासेस बेंच, ये रही। तो जैसा कि हमने आपको ईसी बिल्डिंग दिखाई इंजीनियरिंग कॉलेज, इसी के एकदम सिमिलर बिल्डिंग है बगली में,
आपको तो लगेगा कि एक ही बिल्डिंग है, बट ये ITM कहा जाता है इसका, मतलब BBD NITM नाम है। इसमें BTEC ही कोर्स चलता है, बट AB AKTU से अफिलेटेड है, बट कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स चलते हैं, जैसे EEE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CS मैकेनिकल, IT, जो कि इसी बिल्डिंग से इसको डिफरेंट बनाता है। तो आइए लेके चलते हैं आपको। जैसा कि लेके आ गए हैं हम आपको NITM के अंदर, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे लैब्स जो कि शायद से बंद है, आज क्लोजिंग है, और सेम ही होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। जैसा कि ये है इलेक्ट्रिकल लैब BBD NITM की, देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सब यहाँ पे। हमारे नए यूथ नया इंजीनियर बन रहा है, तो ले चलते हैं, ले आया मैं आपको NITM की क्लासेस में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, वही ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ाई का वो रुख है, वही सेम बेंचेस, सेम चीजें, सेम क्लास। तो गाइस, ये पार्किंग के सामने भी एक ग्रीनरी है, इधर यहाँ पे एक पार्क टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। इधर BBD मेन बिल्डिंग का सबसे छोटा रास्ता है, अगर जो मतलब कॉलेज से जा रहा है वो BBD मेन बिल्डिंग में आराम से जा सकता है। इधर पार्किंग है, जो यहाँ पे सबसे मेन पार्किंग है BBD की। इधर ये नेस्कैफे है, नेस्कैफे पे आप लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, जो ज़्यादातर लोग पीते हैं यहाँ पे BBD में आने के बाद। और इधर जो है ये अपनी पार्किंग हो गई, ये इधर कार्स वगैरह पीछे खड़ी होती हैं, और इधर क्या नाम है, इधर बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं। हम लोग जब आते हैं तो इधर बाइक वगैरह खड़ी करते हैं। फिलहाल अभी हम आके आपको लेके चलते हैं H ब्लॉक में। तो इधर हम आ गए हैं, इधर बगल में हमारे नेस्कैफे है, और इधर पीछे हमारी H ब्लॉक है, और इधर आप लोग देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं इधर क्या नाम है, इधर भी एक पार्क है। इतना प्यारा पार्क बना हुआ है BBD H ब्लॉक के सामने, और जिसके जो जस्ट पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, और आप सामने देख सकते हैं इधर भी गर्ल्स हॉस्टल है, सामने देख सकते हैं इधर भी विद्यावती देवी गर्ल्स हॉस्टल है। इधर पार्क है, पार्क बहुत प्यारा बना हुआ है BBD का। आप पेड़ पे देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन बन चुकी है। और अभी आगे चलते हैं, आपको H ब्लॉक दिखाते हैं, H ब्लॉक कैसा है। H ब्लॉक में आपकी BCA और होटल मैनेजमेंट और कई सारी क्लासेस वैसे चलती हैं, लॉ वगैरह की क्लासेस चलती हैं फिलहाल तो। और अब हम लोग H ब्लॉक चलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग H ब्लॉक की तरफ आ चुके हैं। इधर बहुत प्यारा गार्डन है H ब्लॉक के सामने, और इधर क्या नाम है, ये हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख सकते हैं मेरे पीछे, ये H ब्लॉक है, और इसी में क्या नाम है BCA और लॉ और होटल मैनेजमेंट वगैरह की क्लासेस चलती हैं फिलहाल। और चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं H ब्लॉक में क्या क्या है। तब तक बने रहिए वीडियो पे, अगर आप अभी तक बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज, हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्लासेस कैसी चलती हैं। बहुत प्यारे बेंचेस हैं, और यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स बैठ के अपना जो भी पढ़ाई है, स्टडीज़ है, वो करते हैं। इधर बोर्ड है, बोर्ड पे जो टीचर पढ़ाते हैं। तो गाइज, हम लोग इधर क्लासेस में आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड है, इधर वहाँ पे चौक वाला बोर्ड था जो बहुत पुराने ज़माने में यूज़ होता है, अभी तो मार्कर से ही पढ़ाया जाता है। इधर वाइट बोर्ड है, इधर पढ़ा। तो गाइज, ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये BCA डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे BCA की क्लासेस चलती हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ये स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का ब्रांच है। और आगे आपको लेके चलते हैं, अगर कोई क्लासेस खुली हैं तो हम आपको क्लासेस दिखाते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे BCA की क्लासेस चलती हैं, ये यहाँ पे BCA की प्रॉपर जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ पे ग्रीन बोर्ड है जहाँ पे चौक से लिखा जाता है। यहाँ पे अगर थोड़ा वाइट बोर्ड वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मार्कर से पढ़ने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइज़, आप जैसा देख सकते हैं, मैं H ब्लॉक से बाहर आ गया हूँ, और ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये BBD का सेकंड गेट है। और इधर से अगर आप जो मानस गार्डन है वो पास पड़ता है, और बगल में BBD थाना है। तो गाइज़, आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो बिल्डिंग है वो BBD NITM लिखा हुआ है, नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। तो यहाँ ये भी AKTU से अफिलेटेड है, यहाँ भी क्लासेस चलती हैं। अभी हम वीडियो बहुत लंबी हो रही, नहीं तो आपको पूरा डिटेल बताते। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इधर गाइज, आपके गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा इधर पूरा, और ये BBD NITM बिल्डिंग है। तो गाइज, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अखिलेश दास गुप्ता ऑडिटोरियम है। यहाँ पे जितने भी कल्चरल इवेंट्स हैं या जो भी इवेंट्स होते हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। अंदर बहुत अच्छी चेयरिंग है और AC वगैरह लगा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं अगर अंदर जाने की परमिशन मिली तो। फिलहाल ये ऑडिटोरियम है, आप इधर मेरे पीछे, इधर मेरे सामने देख सकते हैं, ये टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे टेनिस वगैरह खेली जाती है।
और आप इधर देख रहे हैं सीधे अगर हम लोग चलते हैं तो इधर आपको ये वॉलीबॉल कोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह होता है, वॉलीबॉल शाम को लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं मिलके, जो भी हॉस्टल के हैं या बाहर के तो ज़्यादातर नहीं अलाउ होते हैं, लेकिन हॉस्टल के ज़्यादातर लोग खेलते हैं। जो उधर से आप देख रहे हैं बिल्कुल जस्ट सामने ये बॉयज़ हॉस्टल है अंदर की तरफ, वहाँ पे उतना दूर नहीं लेके चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इधर आप देख रहे हैं अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम है, इधर एक और कैंटीन है पीछे हमारे, एक वो कैंटीन थी, एक और कैंटीन है, ये हॉस्टल्स वगैरह के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं इधर पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ पे बीबीडी का खुद का बैंक है, स्कॉलरशिप वगैरह के लिए पहले यहीं पे अकाउंट खुलवाया जाता है, तब कुछ होगा आगे। और इधर आपका ये बास्केटबॉल कोर्ट, और इधर जो एडमिशन सेल है वो, अगर आपको मतलब बीबीडी में एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन के लिए उस बिल्डिंग में जा सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन वगैरह का पूरा है। और इधर आप जैसा कि आप इधर देख रहे हैं पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह खेला जाता है। अब आगे चलते हैं और आपको स्टेडियम दिखाते हैं अगर अंदर जाने की परमिशन मिली तो। गाइस हम लोग बीबीडी की स्टेडियम में आ चुके हैं, आपको स्टेडियम दिखाते हैं फिलहाल, आइए आपको लेके चलते हैं स्टेडियम में। यहाँ पे आपको जितनी भी स्ट्रेटजीज वगैरह है वहाँ पे वो सब होती है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा स्टेडियम है, कितना बड़ा है और कितना प्यारा स्टेडियम बना हुआ है बीबीडी का। यहाँ पे क्रिकेट वगैरह का ग्राउंड है, और देख यहाँ पे अभी क्रिकेट हो नहीं रहा, यहाँ पे मेनली क्रिकेट होता रहता है फिलहाल तो, और बैठने के लिए भी प्रॉपर बनाया गया है। स्टैंड्स में आप देख सकते हैं, स्टैंड्स में आप बैठ सकते हैं, और इधर आप ग्राउंड देख सकते हैं, ग्राउंड कितना प्यारा है। और अभी आगे चलते हैं, हमने स्टेडियम आपको दिखा दिया, आप देखते हैं ऑडिटोरियम में, चलते हैं ऑडिटोरियम। सो गाइस इधर अगर आप देखेंगे तो इधर एक जगह, यहाँ पे एक जिम है जो बीबीडी के जिम प्रोवाइड किया जाता है, फिलहाल छोटा है जिम लेकिन जिम है इस साइड, और इस साइड आपको एडमिशन सेल दिखा दें, ये आपको अगर एडमिशन वगैरह लेना है बीबीडी में तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, प्रॉपर अंदर जो भी लोग बैठते हैं आप उनसे जाके कंसल्टेशन कर सकते हैं। AKTU से अफिलिएटेड एडमिशन या डायरेक्ट एडमिशन सब चीज़ आपकी यहाँ पे होती है। तो आप चलते हैं डायरेक्ट ऑडिटोरियम में, चलिए ले चलते हैं आपको बीबीडी ऑडिटोरियम में। तो गाइस आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो मेन बिल्डिंग है, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इधर जो मेन बिल्डिंग है ये बीबीडी की सबसे प्यारी बिल्डिंग है। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं ये मेन बिल्डिंग का साइड प्रोफाइल है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है अच्छी है, और बगल में पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स यहाँ बैठ सकें और अपना मील या कुछ भी ठंडी में इंजॉय कर सकें। अभी हम लोग आगे चलते हैं और आपको मेन बिल्डिंग के अंदर का दिखाते हैं कि अंदर क्लासेस चलती हैं। BBA में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो BBA में यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। और इधर पार्किंग है, इधर जो है ये सारी पार्किंग जोन है, इधर अंडरग्राउंड पार्किंग भी है जो शायद आज बंद है क्योंकि चैनल का गेट बंद दिखाई दे रहा है, तो आज छुट्टी का दिन है तो पार्किंग में कोई रहता ही नहीं है, नहीं तो यहाँ पे जो पार्किंग्स है नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग भी बहुत बड़ी है, यहाँ पे भी पार्किंग बहुत बड़ी है, यहाँ पे किनारे भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी प्यारी बिल्डिंग है, और आप आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको बिल्डिंग के अंदर का। तो गाइज आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है मेन बिल्डिंग का। अब हम लोग अंदर चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं बाबू बनारसीदास मेन ब्लॉक है अभी, और कितनी प्यारी बिल्डिंग ये बनी हुई है। आके अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं कि आप जो BBA की क्लासेस चलती हैं या जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वो कौन से क्लासेस में कराए जाते हैं। इधर बैग वगैरह रखते हैं, जैसे एग्जाम हम लोग का होता है तो हम लोग का बैग रखा जाता है, और जैसे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए बैग तो अंदर अलाउ है नहीं, तो यहाँ पे बैग आपको रोक दिया जाता है, बैग यहाँ रख दीजिए, आप अपना पेन पेंसिल या जो भी मतलब यूज़ है आपके एग्जाम के लिए उसको आप अंदर लेके जा सकते हैं। BBA की क्लासेस है तो यहाँ पे बैग आप नहीं रख सकते, BBA की क्लासेस के लिए आप अंदर बैग लेके जा सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पूरी बिल्डिंग आपको देख सकते हैं, और इधर अगर मैं आपको ये इधर एक फोटो लगी हुई है बाबू बनारसीदास जी की, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, इन्हीं के नाम पे ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, और पूरा कॉलेज भी इन्हीं के नाम पे है। और देख सकते हैं
एक रॉयल पर्सनालिटी। वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, और आगे हो सकता है आपका कॉलेज हो तो हमको अपने कॉलेज का नाम और जो भी चीज़ें हैं डिटेल्स हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपका कॉलेज भी शूट कर सकें। चलिए आपको लेके चलते हैं यहाँ की यूनिवर्सिटी की क्लासेस में, तो यहाँ से चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के 8th फ्लोर पे, यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। चलिए लेके चलते हैं आपको लाइब्रेरी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लाइब्रेरी आज सैटरडे है इस वजह से बंद है, तो अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो बाकी बहुत सारे कॉलेजेस का हम लोग इंटरव्यू और रिव्यू देंगे इस चैनल पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा शेयर करें, दबा के शेयर करिए, क्योंकि अगला कॉलेज आपका होगा। हमारा कॉलेज ये था, हमने शूट कर दिया, अब अगला कॉलेज आपका है, अब हम आएंगे आपके कॉलेज आपका रिव्यू लेने, और साथ में किया जाएगा, साथ में करेंगे। और न्यू जनरेशन को मैं बताना चाहूँगा कि अब आप देख सकते हैं कि क्या आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, सारा पर्सपेक्टिव क्रिस्टल क्लियर है।